पैगंबर मोहम्मद साहब पर वसीम रिजवी द्वारा विवादित पुस्तक लिखने पर एमआईएम खरगोन ने रैली निकालकर महामहिम राष्ट्रपति से वसीम रिजवी को फांसी दिए जाने की मांग रखी है। एमआईएम के शहर अध्यक्ष सरफराज खान ने बताया कि वसीम रिजवी द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर बार बार विवादित टिप्पणी की जाती रही है, तो कभी वसीम रिजवी द्वारा कुरान की आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जाती है। अब उसने पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन पर मनगढ़ंत किताब लिखी है, जिससे पूरे देश के मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। उक्त रैली चौपाटी से शुरू होकर हैदर मस्तान चौक बावड़ी बस स्टैंड होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जिसके बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। उक्त रैली में पार्टी पदाधिकारी सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। वसीम रिजवी ने एक किताब लिखी हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खिलाफ, जिसके अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो हम यहाँ किसी को बता भी नहीं सकते। उसके इतदाद के लिए आए हम। हमारी महामहिम जी से ये दरख्वास्त करते हैं आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कि ऐसे खबीस को जो हमारे नबी की शान में लगातार गुस्ताखियाँ किए जा रहा है, उसको फांसी की सजा हो, नहीं तो उसको UAPA के तहत कार्रवाई की जाए। वो पूरे मुल्क के अंदर सब जानते हैं कि वो किस तरह से गुस्ताखी कर रहा है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे साफ मालूम पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे शरारती तत्वों को और ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है जो हमारे लोगों के खिलाफ और हमारी नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का तो समझ में आता है कि उनकी राजनीति ऐसी चलती है, लेकिन आज 70 सालों से जो मुसलमानों के वोट लेते आ रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, दिगर जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, वो हम पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आज हमारे साथ क्यों नहीं खड़ी है? वो हमारे साथ में आज क्यों खड़े होने की हिम्मत नहीं जता रही है? इससे साफ जाहिर होता है कि जितनी भी तमाम पार्टियाँ हैं वो हमसे सिर्फ अपना वोट चाहती है, हमारे हक और हकूक के लिए हम पर जो जुल्म हो रहा है इसलिए हमारे साथ खड़े नहीं होगी। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले आज उन पार्टियों को ये बताना चाहते हैं कि ठीक है तुम हमारे साथ खड़े मत हो, लेकिन हम खुद अपनी सियासी कायदत खड़ी करेंगे इंशाल्लाह, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराएंगे। क्या नाम लिखते भाई? यासिर पठान, पूर्व जिला अध्यक्ष खरगोन, AIMIM। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।